जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं विकास लाइफ केयर के बारे में। विकास लाइफ केयर एक ऐसा पेनी स्टॉक है जिसके बारे में गाहे बगाहे चर्चा होती रहती है। अक्सर पेनी स्टॉक जो यह है विकास लाइफ केयर, इस पेनी स्टॉक के बारे में सबसे ज़्यादा बात होती है यूट्यूब पर, क्योंकि इसमें बहुत से रिटेल निवेशक, खासकर जो नए लोग शेयर मार्केट में आए हैं, उनका पैसा इस स्टॉक में लगा हुआ है। एक बात आपको समझनी होगी कि विकास लाइफ केयर में वही लोग पैसा कमा पाएंगे, इसमें पैसा बना पाएंगे, जो लोग पेशेंस रखते हैं, जो लोग मानकर चलते हैं विकास लाइफ केयर लंबी रेस का घोड़ा है। विकास लाइफ केयर लंबी रेस का घोड़ा है, लंबी रेस का घोड़ा साबित होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको समय देना होगा और आपको धैर्य रखना होगा। दिक्कत क्या है कि जब भी हम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, किसी स्टॉक को खरीदते हैं, तो हमारा ये जो नियत होता है, जो मन से बात निकलकर सामने आती है कि यदि हम आज किसी स्टॉक को बाई कर रहे हैं तो कल से उसका प्राइस बढ़ने लगना चाहिए, ये सभी लोगों में होता है, ज़्यादातर लोगों में होता है। लेकिन ये बात समझनी होगी कि सभी स्टॉक खरीदने के साथ ही नहीं बढ़ने लगते, कुछ स्टॉक समय के साथ बढ़ते हैं। विकास लाइफ केयर समय के साथ बढ़ने वाला स्टॉक है, हालांकि कुछ समय से इसमें ठहराव है, ये बात मैं मान रहा हूँ। लेकिन आने वाले समय में जब देखेंगे तो स्टॉक अच्छा रिटर्न निकाल कर देगा, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। बात करते हैं विकास लाइफ केयर के बारे में, अभी क्या इसमें चल रहा है और आगे क्या हो सकता है। देखिए, मार्केट कैप की बात करें तो तकरीबन 660 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। मार्केट कैप इसका घटते बढ़ते रहता है, क्योंकि आपको पता है शेयर प्राइस कम या ज़्यादा होने से मार्केट कैप घटते बढ़ते रहता है। और यदि शेयर प्राइस की बात करें तो अभी इसका शेयर प्राइस 4.60 रुपये के आसपास है। देखेंगे तो इसमें फ्राइडे के दिन यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान 1% की गिरावट देखने को मिली है। तो ये विकास लाइफ केयर में 1% की गिरावट, 1-2% का चढ़ाव, ये कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। पिछले एक सप्ताह में देखेंगे तो स्टॉक तकरीबन 2.5% के आसपास चढ़ा है, लेकिन वही पिछले 6 माह में देखेंगे तो पिछले 6 माह में तकरीबन 10% स्टॉक टूटा भी है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, ये स्टॉक पिछले काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन रेंज में है, 5 रुपये से 4 रुपये के बीच में रह रहा है। हालांकि वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो उस कंपनी का शेयर प्राइस अभी काफ़ी सस्ता है और पी रेशियो भी काफ़ी कम है, 8.62 के आसपास है। जहां दूसरी तरफ जो पेनी स्टॉक है उनका पी रेशियो हज़ारों हज़ार में हो, उसके हिसाब से देखें तो पी रेशियो जो विकास लाइफ केयर का, ये काफ़ी सस्ता है। यानी कि अभी खरीदने के लिए सही समय है, लेकिन खरीदना चाहिए कि नहीं, ये टोटल आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना समय देने के लिए तैयार हैं। देखिए, मेरे पास इस कंपनी के स्टॉक नहीं है, पहले थे लेकिन अब नहीं है। मैं भी धैर्य नहीं रख पाता हूँ। मेरे पास जब स्टॉक थे काफ़ी दिनों से, मैंने देखा कि इसमें तेज़ी नहीं आ रही है। देखिए, विकास लाइब्रेरी का शेयर प्राइस आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा तो 5 रुपये 5.5 6 रुपये तक चला जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो 7 रुपये तक चला जाएगा, उससे ज़्यादा इसका प्राइस बढ़ता ही नहीं है। मैंने इसको खरीदा था तकरीबन पिछले साल मार्च में 3-4 रुपये के आसपास, और बहुत धोया। पिछले साल अगस्त में 5.5 रुपये के आसपास इसका प्राइस गया तो मैं बेच के निकल गया, मुझको नहीं लगता था कि इससे ज़्यादा यह बढ़ेगा। और उसके बाद फिर देखेंगे तो 5.5 रुपये से भी कम होकर प्राइस 4.5 रुपये के आसपास आ गया है। तो इसीलिए यदि आपके पास धैर्य है तभी इस स्टॉक को खरीदिए। अब क्या इसको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, तो इसके बारे में यदि बात करूँ तो इसके लिए आपको समझना होगा कंपनी का काम धाम कैसा है, जो कंपनी भी काम कर रही है आने वाले समय के हिसाब से उस काम में प्रगति आएगी कि नहीं। क्योंकि काम में प्रगति आएगा तभी कंपनी के सेल्स बढ़ेंगे, सेल्स बढ़ेंगे तो कंपनी की कमाई बढ़ेगी, उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो अभी जैसा आप जानते हैं कंपनी स्पेशलिटी केमिकल और इसके साथ प्लास्टिक और पॉलीमर बनाने का काम करती है, लेकिन रिसेंटली देखेंगे तो कंपनी ने अदर सारे बिजनेसों में, बहुत सारे बिजनेसों में कुछ स्टेक एक्वायर किए हैं। जैसे कंपनी स्पेशलिटी केमिकल और प्लास्टिक पॉलीमर के बिजनेस से निकल कर अब FMCG में एंट्री करना चाहती है। इस कंपनी ने क्या किया कि FMCG की एक कंपनी शशि बिरीवाल एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसमें इस कंपनी ने तकरीबन 35% स्टेक एक्वायर किया है। इसके अलावा अर्थ सैनिक कैंटीन जो होती है, जो आर्मी में खाना बनाने पहुँचाने काम करती है, उसमें 30% स्टेक विकास लाइफ केयर ने एक्वायर किया है। इसके अलावा कंपनी QIP के जरिए 500 मिलियन फंड एक्वायर करने जा रही है। 500 मिलियन फंड अलग अलग जो बिजनेस में अपना कदम बढ़ाई है उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो QIP के जरिए 500 मिलियन फंड एक्वायर करने की बात चल रही है। हालांकि QIP के जरिए ये फंड जो एक्वायर करना है अभी पूरा नहीं हुआ है, इस साल में पूरा हो जाने की उम्मीद है। इसके अलावा देखेंगे तो तकरीबन सब्सिडरी इसकी कंपनी एक जेनिसिस गैस सोल्यूशन से विकास लाइफ केयर को आने वाले समय में काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि अडानी गैस जो है वो अपना पाइपलाइन बिछाने का काम जेनिसिस गैस के द्वारा करते हैं। और एक जर्मनी की कंपनी है जिसका नाम है डोनियर ग्रुप से भी जो जेनिसिस गैस सोल्यूशन है, इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है अफ्रीका का एक देश है माली, उसमें गैस से संबंधित काम करने के लिए। तो जेनिसिस गैस एक ऐसा इसका सब्सिडी कंपनी जिससे विकास लाइफ केयर को आने वाले समय में काफ़ी फायदा होने वाला है। तो आपने देखा लगभग 3-4 बिजनेसों में कंपनी ने अपना कदम बढ़ाया है हाल के दिनों में, और इन सभी बिजनेसों से कंपनी की, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खर्चा ही लग रहा है इसमें, कंपनी से विकास लाइफ केयर को फायदा भी हो रहा है। इसका फायदा देखने को मिला है सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट में, जब कंपनी की कमाई 3 डिजिट पर पहुंच गई थी। इस कंपनी का सेल्स आप देखेंगे तो तकरीबन 86 करोड़ से बढ़कर 128 करोड़ हो गया था सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट में। प्रॉफिट भी शानदार हुआ था, प्रॉफिट 2 करोड़ 30 लाख था पहले, लेकिन अभी 20 लाख बढ़ गया 3 माह में। 20 लाख सिर्फ 3 माह में पेनी स्टॉक के लिए प्रॉफिट का बढ़ जाना कोई छोटी बात नहीं है। 2.5 लाख के आसपास प्रॉफिट हुआ सितंबर क्वार्टर में, और अभी Q3 के नतीजे आने वाले हैं। तो कुल मिला के देखें तो कंपनी जो अलग अलग बिजनेसों में अपना हाथ बढ़ाई है उससे इस कंपनी को फायदा होते हुए दिख रहा है।
और इसका फायदा आने वाले समय में दिखेगा जब आप इसमें समय देंगे तब। तो जो विकास लाइफ केयर के बारे में बातें थी मैंने आपको बताई, उम्मीद करता हूँ आपको इसे कुछ सीखने समझने को मिला होगा। यदि आपको लगता है कुछ बातें छूट रही है, आप जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एंजल वन या एम स्टॉक के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, इसका लिंक भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।